अस्सलाम वालेकुम, आई एम साजिद महमूद, यू आर वाचिंग पाकल मोबाइल स्टोर। टुडे गोइंग टू अनबॉक्सिंग स्पार्क 10C 4 एंड प्लस 4 128 GB रैम। ये भाई हैं हमारे दोस्त हैं और ये मोबाइल ये लेने आए हैं। भाई ने ये कहा मुझे 10C चाहिए, तो मैं भाई को दे रहा हूँ। उससे पहले मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बना ली जाए, ताकि आपको भी कुछ मालूम दे दें ये मोबाइल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये हमारे साथ रहिएगा, हम एंड में जाके आपको रिव्यू देंगे, बाकी हम मोबाइल की तरफ जाते हैं। तो मोबाइल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है और 4+4 है, 128 GB है। इस प्राइस बजट में कोई भी कंपनी 128 GB में ऑफर नहीं कर रही, सिर्फ टेक्नो 10C 128 में ऑफर कर रही है। बेस्ट फीचर है ये, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसकी कैमरों की बात करें तो इसमें 16 MP कैमरा दिया गया, जो कि रियल ट्रिपल कैमरा सेट है, वो 16 MP दिया गया। और जो सेल्फी कैमरा वो आपको 8 MP दिया गया है। अच्छा यार, मैंने ना वीवो के ना 27,500 का मैंने एक Y02T मोबाइल आता, उसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं है और उसमें बैक कैमरा 13 MP और फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 MP दिया हुआ है। बेकवास, उससे तो भाई ये बेहतर है कि आपको 128 ऑफर करता है 16 MP विद 8 MP। जो सच्चाई हम उसी को बयान करते हैं, इसलिए भाई आपको बता रहे हैं ताकि आपका नुकसान हो, जो बेहतरीन है वही चीज़ बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इसका जो आपको 5000 mAh की सुपर बैटरी है इसमें, वेरी गुड, इसमें 5000 mAh की। और इसके साथ 6.6 फुल HD स्क्रीन डिस्प्ले है, जो कि 90 GHz रिफ्रेश रेट पर है। भाई जान, जो वीवो है ना, अपने आपको बड़ा ब्रांड मानता है, उसमें 60 GHz पर रिफ्रेश रेट है, लेकिन इसमें 90 का है और फिर फुल HD चार्ज के। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। देखते हैं बाकी ये कुछ बुक्स की है, मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको तो बताई है। तो फाइनली हम इस मोबाइल को करते हैं ओपन, फिर देखते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, पैकिंग बहुत प्यारी है भाई, ये देखें पैकिंग बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद हमें ये फाइनली बुक्स मिलता है, तो हमें इस बुक्स के ऊपर सबसे पहले पैक नो अपना ब्रांड दिया हुआ है उन्होंने, तो ब्रांड के ऊपर ओपन करते हैं। ये देखें, सबसे ऊपर हमें वही मोबाइल देखने को मिलता है, ओके। और मोबाइल में वही जो मेन इनकी हाइलाइट्स हैं, हाई वो दी हुई हैं। ये देखिए नीचे तक, जो कि मैं ऑलरेडी आपको रीड करके दे चुका हूँ। तो बुक्स को ये डिवाइस है, ओके, तो डिवाइस तो बहुत सेक्सी है। इसको हम साइड पर रखते हैं, तो ऑन करके बाकी बुक्स में क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं देखने को, हम उनको देखते हैं। तो बुक्स में डिवाइस के बाद ये एक पैकिंग दी गई है, इसको हम साइड पे करते हैं। साइड पे करने के बाद हमें सबसे पहले सिलिकॉन केस नज़र आता है। ये देखें, सिलिकॉन केस है और केस की क्वालिटी भी हम चेक कर लेते हैं, केस की क्वालिटी हमें कैसी मिलती है देखने। ये वारंटी का एक स्टिकर है, ये वारंटी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वारंटी की। और इसके साथ ये सिलिकॉन केस दिया गया है, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट केस है, बड़ा प्यारा केस है, लाइक इट। और इसके साथ एक अडाप्टर दिया गया है, इनफिनिक्स टेक्नो के अडाप्टर तकरीबन आजकल लुक में सेम ही आते हैं, ये टेक्नो का है और ये अच्छा अडाप्टर है। और इसके साथ हमें एक डाटा केबल मिलती है, वाह, अब मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए, क्योंकि मैं देख रहा था इसमें मैक्रो केबल ना दे दीजिए, वही टाइप सी मिलती है इसमें, वो फास्ट चार्जर के साथ। और इसके साथ कुछ भी नहीं है, एक टूल दिया हुआ है सिम चेक निकालने के लिए। तो हम बुक्स को साइड पे रखते हैं, तो बाकी कंटेंट्स देखते हैं बाद में। और अब हम मोबाइल की सेटअप की तरफ जाते हैं, तो ये मोबाइल हम फाइनली इसको निकालते हैं और निकाल के इसको बाहर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन पर जाते हैं, ये देखने में ग्लास नज़र आ रहा है, ये देखें कितनी प्यारी शाइनिंग है, बहुत ही लुक अच्छी है। और इसमें फिंगर भी, हैंड फिंगर भी आपकी नहीं लगती, ये देखें हैंड फिंगर नहीं लगती, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में है, बहुत ही खूबसूरत में है। स्पीकर को हम साइड पे करते हैं, ये देखें डिज़ाइन में पीछे आईफोन की तरह कैमरे 3 दिए गए हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, 16 MP का कैमरा है और साथ में एक LED लाइट दी गई है। और यहाँ पर उन्होंने टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग दी गई है। और ये देखें, ऐसे लगता है जैसे ग्लास हो, लेकिन ग्लास नहीं है, है प्लास्टिक ही है, लेकिन यार लगता ग्लास ही है, ब्यूटीफुल, बड़ी प्यारी की है इन्होंने। अगर हम बैक साइड पे देखें, हमें यहाँ पे स्पीकर मिलता है और यहाँ पे टाइप सी चार्जर मिलता है, 3.5 mAh चेक मिलता है, जिसमें आप ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साइड पे हमें वॉल्यूम की मिलते हैं और साथ में फिंगरप्रिंट मिलता है। और इसके ऊपर की तरफ हमें कुछ है नहीं दी गई। और इस तरफ हमें सिम मिलती है, जिसमें 2 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं, बाकी स्लिम है। ये डिज़ाइन है मोबाइल का, ये खूबसूरत जो हमने आपको बताया। अब हम फ्रंट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे नॉच दी गई है। और आप डिस्प्ले की करते हैं, इससे पहले मैं सेटिंग कर लूँ, फिर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। जी भैया, ये जो सर डिस्प्ले, इसमें जो स्पार्क 10C में जो डिस्प्ले दिया गया, वो 1080p 6.6 फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। ये देखें, इसका 90 GHz रिफ्रेश होने की वजह से इसका टच बहुत ही स्मूथ टच है, ये देखें, जो कि मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें बहुत ही अच्छा है टच, जिस तरह मर्जी आप कर लें, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना। ब्राइटनेस बहुत अच्छी दी गई है, ये इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और इसमें आपको बता दूं, 8GB होने की वजह से, 4x4GB होने की वजह से ये मोबाइल कहीं पे आपको रुकता भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इसकी रैम है 4x4 8GB। आप जिस मर्जी ऐप को ओपन करें, जैसे मर्जी ओपन करें, फिर इसको क्लोज़ करें, ये देखो मोबाइल कभी भी आपको कहीं पर भी हैंग होता हुआ नज़र नहीं आता।
कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये मोबाइल आपको अभी बुक से ऑन किया है फिर भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस अदा कर रहा है। कहीं पे भी आपको कहीं पर ऐड नहीं मिल रहा है 128 GB में, लेकिन यहाँ पे पंच नहीं है, नोच दी गई है, नोच बहुत ही खूबसूरत लगती है। और साइड में इसके डिस्प्ले में ये देखें आपको ब्लैक नज़र आती है देखने को, ठीक है। और इसका मल्टीमीडिया भी चेक कर लेते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं मल्टीमीडिया में कितना एच डी चलता है। ये देखें हमने इस वक्त 4K फुल एच डी इसमें वीडियो चलाई है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है। मुझे तो लाइटली इसका रिजल्ट बहुत पसंद आया। ये देखें फुल एच डी में है, ये देखें आपको बिल्कुल सही क्लियर रिजल्ट नज़र आता है इसका 4K एच डी में वीडियो। जरा मैंने बहुत हैवी वीडियो प्ले की हुई है जिसकी वजह से वीडियो रुक के चल रही है, बट इसकी साउंड क्वालिटी एंड देन इसकी वीडियो क्वालिटी फुल एच डी पैनल होने की वजह से बहुत ही बेहतरीन नज़र आती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में नज़र आती है। ये देखें आप जिस तरह भी कोई भी प्ले करेंगे तो आपको बेहतरीन क्वालिटी में आपको नज़र आएगा। ये देखें और आपको इंशाल्लाह ये देखें फुल एच डी में आपको बेहतरीन क्वालिटी, लेकिन हमारे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से ये परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है। तो हम कैमरे टेस्ट कर लेते हैं इसके कैमरे की कैसी। मैं आपको बताऊँ बैक कैमरे से आप 1080p एट 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे से भी 1080 एट 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये देखें हमारे पास कैमरा है, मैंने इसको तो ओपन किया, ये जूम करके दिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है। ये इस वक्त वीवो और जो ओप्पो के ब्रांड्स चल रहे हैं इतने इतने महंगे, उनसे तो काफ़ी अच्छी आ रही है। ये देखें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और इसमें आपको सारे जो बाकी मोबाइल में फीचर होते हैं, स्लोमो मिल जाता है, वीडियो मिल जाती है। वीडियो मैंने आपको बताया 1080p, ये देखो 1080p में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर मिल जाता है। और उसके बाद आपको AI कैम भी मिल जाता है इसमें, ब्यूटी ऑप्शन भी, पोर्ट्रेट फोटो भी मिल जाता है, और सुपर नाइट मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और आप फ्रेंड से भी फोटो ले सकते हैं, फ्रेंड जो इसका सेल्फी कैमरा है बहुत ही अच्छा सेल्फी कैमरा है, ये उसकी भी क्वालिटी हम आपको दिखा देते हैं। ओके ये देखें बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है, आई थिंक मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और पसंद भी आया। ये देखें मैं अपनी फ़ोटो ले रहा हूँ, ये देखें मैंने ये एक फ़ोटो ली है और लेकिन मैं ये आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें ये अभी दिन का वक्त है, रोशनी भी इतनी नहीं है, सॉरी रात का टाइम है, और फिर भी इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अदा की है जी। ये भाई ने हमसे मोबाइल ख़रीदा तो फाइनली हम इस भाई का भी रिव्यू ले लेते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई जान, बताइए आपने ये मोबाइल ख़रीदा है जो आपने स्पार्क, ये आप इसके बारे में क्या राय, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपने गलती कर ली या आपने ठीक ले लिया है, या आप कंपनी के बारे में कोई कमेंट्स है तो दें। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, मैं तो लेकर बहुत खुश हूँ इसको। और अच्छी कंपनी है ये टेक्नो, वीवो वगैरह से भी बहुत अच्छी कंपनी है ये जी भाई जान। एक बात मैं भी बता दूं, रेडमी 13C मैंने कल सेल किया था, उसको ओपन किया, उसमें ना पीछे वीडियो भी आप देख लेना, मैं आई बटन पर भी वीडियो दे दूंगा, उन्होंने ना बैक केस भी नहीं दिया उस मोबाइल में, ठीक है। लेकिन इस भाई ने, इस कंपनी ने इतना को ख्याल कर लिया कि ये देखिए सिलिकॉन का अच्छा केस तो दे दिया, जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए भाई के, वरना उनको 400 रुपये एक्स्ट्रा लगा के जाना है। अच्छा जो लाइक करें कोई कमेंट्स, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। गुड बाय।